हेलो व्यूअर्स, मेरे एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं अपने घर से निकलकर कटिहार टाउन की तरफ जा रहा हूं अपने हीरो एक्सपल्स 200 के साथ, जिसका नाम कि मैंने सुल्तान रखा है। इस रोड पर राइड करना अपने आप में गर्व की बात है। इस रोड के दोनों तरफ एक बहुत ही खूबसूरत हरियाली सा बिछा हुआ है और मानसून के मौसम होने की वजह से ये इन्वायरमेंट बिल्कुल ही फ्रेश और पवित्र नज़र आता है। यहाँ खड़े होकर कि आप एक प्रकृति की अद्भुत दृश्य का, मनोरम दृश्य का को महसूस कर सकते हैं। ये देखिए कितना शानदार नज़ारा है। चलिए अब आपको भी मैं अपने इस दौरे का सैर करवाता हूँ। तो यहाँ से मैं अब धीरे धीरे स्लोली स्लोली आगे बढ़ता हूँ। चाचा को पीछे कर दूँगा मैं। अब ये चाचा हो गया पीछे। अब मैं पूरी तेज़ रफ्तार से आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। आगे भी एक ज़बरदस्त यू टर्न है, आगे वाले चाचा को पीछे करना है। ये मेरी ज़िंदगी का पहला सबसे अद्भुत टारगेट है, आगे वाले चाचा को पीछे करने का। देखते हैं कर पाते कि नहीं। यह लगा एक्सप्रेस का जोर, दह तगा के एक्सलेटर, गाड़ी भाग रही है चेतक की तरह। महाराणा प्रताप आ गया है जंग के मैदान में। आगे दुश्मन जा रहा है, पीछे पीछे हम योद्धा, और ये पूरा ताकत लगा करके चेतक के साथ तुड़ुक 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 आगे बढ़ते हुए कर दिया चाचा पीछे, भतीजा आगे। अब भतीजा आगे एक्सप्रेस 200 के साथ में। अब महाराणा प्रताप अपना चेतक लेकर के तुड़ुक 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 कटिहार टाउन की तरफ चलते हुए। रास्ते को आप इन्जॉय कीजिए। सुल्तान का करते हैं जेट इंजन को स्टार्ट। ये देखिए रॉकेट की स्पीड से हम धीरे 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 टाउन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ये हम अभी जो स्पीड से चल रहे हैं ये लगभग 1000 मिलियन लाइट ईयर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हैं। ऐसा स्पीड शायद कभी भविष्य में किसी स्पेस शटल का होगा। वाह, क्या गजब का नज़ारा है, बेहतरीन नज़ारा। ग्रीनरी, पानी, मखाना का खेत। मेरे बाएं साइड में जितना भी खेत देख रहे हैं ये सभी मखाना का खेत है। पानी आने की वजह से सब में पानी का जमाव हो गया है और सारा फसल बर्बाद हो गया है। वाह, क्या बुलबुला उठ रहा है पानी का। ये देखिए, शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर। आप जब भी घूमने फिरने का प्लान बनाते हैं तो मानसून के टाइम में एक बार बिहार का दौरा ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ आने के बाद पानी का जो भी शौक़ होगा आपका वो सारा पूरा हो जाएगा। बोटिंग करने का, पानी में घूमने का, नहाने का मजाक, जितना भी मज़ा है पानी से रिलेटेड सब अच्छे तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन अच्छे अच्छे नज़ारे हैं, डैम का और महानंदा कोसी के जल कटाव, मिट्टी कटाव का। और इस मौसम में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ग्रीनरी होता है। छिछला पानी आपको हमेशा हर जगह, जितना भी खेत है हर जगह आपको छिछला पानी का बहुत ही भारी जमाव देखने के लिए मिल जाएगा। बहुत ही आनंद आएगा। आपको सिर्फ 2 महीने यहाँ पर काटना है, जुलाई अगस्त या फिर जून जुलाई। बारिश का टाइम है और इस समय यहाँ पर हमेशा हर साल पानी आता ही आता है। तो अभी इसी वक्त अपने टूरिज़्म वाले नोटबुक को निकाल कर उसमें बिहार टूर का एक नोट ऐड कर लीजिए, जिसमें है कि आप कुछ फेमस जगहों के साथ साथ कुछ विलेजेस को भी घूमने का एक डिस्क्रिप्शन लिख लीजिए। और मैं अपने सभी राइडर्स भाइयों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग जब राइडिंग करते हैं तो बिहार स्टेट को भी अपने राइडिंग वाले नोटबुक में लिख लीजिए। यहाँ पर जब भी आप दौरा बनाएं घूमने का तो कम से कम 15 दिन का बनाएं। 15 दिन में आपको राइड करके बिहार के उन सभी हिडन पार्ट्स को और कुछ छुपे हुए चीज़ों को, छुपे हुए रहस्यों को, इस प्रकार के जगहों को एक्सप्लोर करना है, जिससे कि ऐसे ऐसे चीज़ों को, ऐसे ऐसे जगहों को आप देखेंगे जो कि आज तक कभी भी इंटरनेट पर नहीं आया है। मेरा तो ये मानना है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जो अभी तक पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं हुआ है, इसलिए बिहार अभी रहस्यों से भरा हुआ है। इनके विलेज एरिया में तो और ज़्यादा रहस्य है। बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर विलेज एरिया सबसे ज़्यादा है और टाउन सबसे कम है। मतलब और भी जैसे कि उड़ीसा है और छत्तीसगढ़ है, कुछ राज्य और भी हैं
इन जहाँ पर कि विलेज का विस्तार ज़्यादा है और टाउन का कम है। बिहार में भी कुछ ऐसा ही है, विलेज बहुत ज़्यादा है और विलेज में ही रहस्यों का खजाना छिपा हुआ है। तो मेरे राइडर दोस्तों, आप लोग आइए बिहार, आपका मोस्ट वेलकम है। और यहाँ के इन सभी जगहों को, हिडन चीज़ों को आप एक्सप्लोर कीजिए, इन्हें इंटरनेट पर डालिए, ताकि यहाँ की बातें, बिहार की बातें सबको, पूरी दुनिया को पता चल सके। तो मैं अभी कटिहार कुछ मेडिसिन्स को परचेज करने के लिए जा रहा हूँ। अभी लॉकडाउन है, 16 अगस्त तक बिहार में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। तब तक बाइक पर दो लोगों को जाने का बिल्कुल परमिशन नहीं है, बाइक पर सिर्फ एक ही इंसान जा सकता है। तो हम अभी दो लोग जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, हमारे साथ डंडे पड़ते हैं या हमारे साथ किस प्रकार का बर्ताव किया जाता है पुलिस के द्वारा। तो हमें कुछ नहीं, बस मेडिसिन ही लेना है, देखते हैं मेडिसिन मिलता है या नहीं मिलता है। अगर नहीं मिलेगा कटिहार में मेडिसिन, तो हमें कटिहार से दूर दूसरे डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया में जाना होगा। बैगना, जब हम लोग घर से निकलते हैं तो कटिहार का सबसे पहला जगह यही है, कटिहार टाउन का पहला पोर्शन यही है जिसे हम टच करते हैं। अब बैगना को जैसे ही हम क्रॉस करेंगे, बस कटिहार के मेन मार्केट वाले टाउन में हम एंट्री मार लेंगे। सिटी का पहचान है। मेडिसिन खरीदने आए तो थे, लेकिन मेडिसिन हाथ लगा नहीं, हाथ सिर्फ निराशा लगी, इसलिए हम लोग वापस अब बिना किसी देरी के घर जा रहे हैं। हम लोगों ने पहले प्लान किया था कि यहाँ से हम पूर्णिया निकल जाते हैं, फिर वहाँ से मेडिसिन ले करके वापस आते हैं, लेकिन दो लोग अलाउ नहीं है बाइक पर, तो हम पूर्णिया भी नहीं जा सकते। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कल मम्मी को लेकर के ही पूर्णिया जाऊँ, डॉक्टर को चेक करवा दूँ, मतलब डॉक्टर से चेकअप करवा दूँ, उसके बाद फिर डॉक्टर जो मेडिसिन लिखेगा वो वहीं पर पूरे महीने के लिए ले लूँगा और वापस घर आ जाऊँगा, ताकि कोई भी परेशानी नहीं हो किसी भी प्रकार का। 16 अगस्त तक लॉकडाउन हो गया है, शायद उसके बाद भी आगे बढ़े, क्योंकि बिहार में अभी कोरोना पॉजिटिव की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती ही जा रही है।